हुरिया, आज हमारे घर बाजी खतीजा ने आना है, इनके लिए खाना तैयार कर लेना। हूरिया किचन में खड़ी थी, इसने जवाब दिया। दोनों बहन भाई हूरम और हन्नान बातें कर रहे थे। आप पे होरिया कहाँ है? वो आंटी खतीजा के लिए खाना बना रही होंगी। आंटी खतीजा ही तो आ रही थी, खाना तैयार करने की क्या जरूरत थी? लोगों जी हुरम बहन, आप ठीक कह रही हैं। आंटी खतीजा जा चुकी थी, सब मिलकर बैठे थे। मामा, आंटी खतीजा या कोई और जब भी हमारे घर आता है, आप उन्हें खिलाए बगैर नहीं भेजती, क्यों? मामा, आज भी आपने आंटी खतीजा के लिए आपी हुरिया से कहकर खाना बनवाया और आंटी खतीजा को खाना खिलवा कर भेजा। जी मेरे प्यारे बच्चे, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, इनकी खिदमत से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। जी बेटा, मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। मैं आपको एक अंसारी का किस्सा सुनाती हूँ। इसने एक मेहमान की कैसे मेहमान नवाजी की और अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या फरमाया। जी मामा, आप हमें जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल बेटा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान। बाबा, मामा आज हमें एक अंसारी का किस्सा सुनाने लगी हैं। जी मेरे प्यारे बेटे, हम सब मिलकर सुनते हैं। जी बाबा। जी बाबा जान। प्यारे बच्चों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आया। इसने कहा, मैं भूखा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फौरी से एक आदमी को अपनी बीवी के पास भेजा। उन्होंने कहा, कसम इस जात की जिसने आपको हक दिया, हमारे पास सिवाय पानी के कुछ और नहीं। फिर आपने दूसरी बीवी के पास भेजा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपकी सारी बीवियों ने यही जवाब दिया कि इस जात पाक की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा, मेरे पास सिवाय पानी के कुछ और नहीं। अल्लाह अल्लाह, मामा जिसके लिए कायनात बनी उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल बेटा जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मेहमान को कौन रखेगा। एक अंसारी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस मेहमान को आज रात अपने पास रखूंगा। फिर वो अंसारी मेहमान को अपने घर में ले गए और अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। इसने कहा, सवाए हमारे बच्चों के खाने के और कुछ नहीं। मामा, इनके घर में भी कुछ नहीं था। बिल्कुल जी बिल्कुल। और फिर अंसारी ने अपनी बीवी से कहा कि जब हमारा मेहमान खाने का इरादा करे तो हम चिराग को बुझा देंगे और इससे ये दिखाएंगे कि हम भी खाना खा रहे हैं। एक और रवायत में इस तरह भी है कि जब मेहमान खाने का इरादा करे तो चिराग को ठीक करने के लिए खड़ी हो जाना और इसे बुझा देना। फिर तीनों दस्तरखान पर बैठे मेहमान को दिखाया कि हम भी खा रहे हैं, लेकिन दोनों भूखे रहे। मम्मा इतनी मेहमानों का इज्जत। जब सुबह हुई तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्हें देखते ही आप सल्लम ने फरमाया, जो तुम दोनों ने अपने मेहमान के साथ किया, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया,
अल्लाह ताला को तुम दोनों की बात बहुत पसंद आई। और बाज रवायत में ये है कि इस वक्त ये आयत उतरी, وَيُعْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ, जिसका तर्जमा है कि अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगर चाह खुद इन्हें सख्त भूख हो। जी मामा, मुझे अब समझ आई, आप इसलिए सब मेहमानों की इज्जत करती हैं और इनको खाना खिलाकर भेजती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मामा, हमारे पास तो हर चीज मौजूद होती है, लेकिन उनके पास तो कोई चीज भी मौजूद नहीं थी और फिर भी उन्होंने मेहमान की इतनी इज्जत की। जी बेटा, जब अल्लाह ताला के रसूल मेहमानों की इज्जत किया करते थे तो हमें भी चाहिए कि हम भी इनकी इज्जत करें। जी मामा, अल्लाह सुबहानहु तआला हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक दें। आमीन मेरी प्यारी बच्ची। मामा, मैं भी आज से मेहमानों की इज्जत करूंगा। हाँ, और आपने भी मेहमानों की इज्जत करनी है। अच्छा, इस वजह से अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी अच्छे अच्छे सबक सीख सकें। और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।